रही बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां पीडीएस की 31 दुकानों को नोटिस दिया गया है। कम राशन बांटने पर दुकानों को नोटिस दिया गया है। 14 दुकानों को पहले भी नोटिस दिया जा चुका है। 31 अगस्त तक इन्हें जवाब देना होगा। जिला आपूर्ति नियंत्रक निर्भान सिंह जादौन ने ये नोटिस जारी किए हैं। तो 31 राशन दुकानों को नोटिस जारी किए गए हैं। मामला हितग्राहियों को कम राशन देने का है। कम राशन बांटने पर यह कार्रवाई गई है। नोटिस दिया गया है और जवाब मांगा गया है। 14 दुकानों को पहले भी नोटिस जारी किया जा चुका है और इसके बाद 31 और दुकानों को नोटिस जारी किया गया है। पीडीएस की 31 दुकानों को नोटिस मिला है। हितग्राहियों को कम राशन दें का यह मामला है। 31 अगस्त तक इन्हें जवाब देना होगा। जिला आपूर्ति नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादौन ने यह नोटिस जारी किया है। बड़ी खबर ग्वालियर से, पीडीएस 31 दुकानों को नोटिस मिला है। 14 दुकानों को पहले ही नोटिस जारी हो चुका है। कम राशन बांटने का यह मामला है, इस पर यह कार्रवाई गई है। नोटिस जारी किया गया है। 31 अगस्त तक इन तमाम दुकानदारों को अब जवाब देना है कि क्यों जो है राशन कम दिया गया। लगातार शिकायतें कम राशन दिए जाने की आ रही थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। संतोष हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। संतोष, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, की जो शहर में दुकानें हैं, उन दुकानों में राशन वितरण को लेकर धांधली और लापरवाही की सूचना लगातार कलेक्टर महोदय रही। इसको लेकर कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिया था कि जो कम से कम सरकार द्वारा जो राशन दिया जाता है वो जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर मिल सके, लेकिन लेकिन आमतौर पर देखने में आया है वहाँ लापरवाही बरती जा रही है। इसको लेकर जिला आपूर्ति नियंत्रक चंद्रवान सिंह जाओ ने उन्होंने मीटिंग के दौरान ही कलेक्टर महोदय को जानकारी दी थी। लगभग 31 दुकान है वहाँ पे, इस तरह की जानकारी मिली है। उनको नोटिस दिया जा चुका है। पूर्व में 14 दुकानों को नोटिस दिया था, जिसका जवाब यानी कि आज शुक्रवार को दिया उनको।